हेलो एंड वार्म वेलकम टू सौरभ जी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके द्वारा भेजे गए कमेंट के बारे में। एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स से पूछा कि सर, मेरा 12th में 62% है, तो क्या मैं जेई मेन और जी एडवांस का एग्जाम दे पाऊंगा। बच्चों, अगर तुम्हारा भी ऐसा कोई डाउट है तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तुमको सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा, अगर तुम्हारा परसेंटेज 75% या फिर 65% से कम है तो ये क्लियर है कि तुम क्या है, जेई एडवांस का एग्जाम नहीं दे पाओगे। क्योंकि तुम जेई एडवांस का एग्जाम तभी देते हो जब तुमको आईआईटी कॉलेज चाहिए होता है, और आईआईटी कॉलेज के लिए 75% का जो क्राइटेरिया वो लगाया गया है। तो 75% अगर तुम्हारा नहीं है तो तुम नहीं दे पाओगे। और एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि 75% जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, यदि आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो तुमको सिर्फ 65% लाना होता है। ये चीज तुमको ध्यान रखनी है। लेकिन जिस बच्चे का 62% है तो वो तो पक्का है कि जेई एडवांस का एग्जाम नहीं दे पाएगा। अगर बात करते हैं जेई मेन के एग्जाम की, तो बेटा जेई मेन का एग्जाम आप क्या है, दे सकते हो, भले ही आपका परसेंटेज 62% है। क्योंकि जेई मेन का एग्जाम सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सीएफटीआईएस कॉलेजेस के लिए नहीं होता है, बल्कि ये अदर कॉलेजेस के लिए भी होता है। तो इसलिए जेई मेन का एग्जाम अगर आप देना चाहते हो तो डेफिनेटली अपेयर कर सकते हो, फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।